हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ये लोन मैनेजमेंट सिस्टम इन पाइथन। ठीक है, तो हमने ये एक यूआई सिस्टम बनाया है और ये फुली डाटाबेस के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे ये मेरे एंट्री फील्ड है कुछ, तो यहाँ पे मैं जैसे भी जितने भी एंट्री फील्ड्स में इंफॉर्मेशन फिल करेंगे हम, और वो यहाँ पे हमारी टेबल के फॉर्म पे यहाँ पे शो कराएगा। जैसे हम एड रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे टेबल के फॉर्म में शो कराएगा। और ये हम अपने जो माई एसक्यूएल सर्वर हमारा कनेक्ट है, वहाँ पे भी हम अपनी ये डिस्टेंस सारी जो है एम्प्लॉयज की डिटेल्स वहाँ स्टोर करवाएंगे। ठीक है, और ये मैंने ऊपर एक हेडिंग दी है लोन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो जैसे अब मैं, और यहाँ पे मैंने ये 5 बटन्स बनाए हैं, ऐड रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए, एंड अपडेट, जब हम किसी भी एम्प्लॉयज की डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं उसमें, तो हम उसमें चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट की हेल्प से। जो नेक्स्ट बटन है हमारा, ये रिसेट बटन, जब हमारे एंट्री फील्ड में कुछ भी होगा यहाँ पे, तो ये हमारे, जब हम रिसेट को प्रेस करेंगे तो ये हमारी एंट्री फील्ड को एम्प्टी सेट कर देगा, और एग्जिट हमारा यहाँ से इस प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो एक करते हम सारे बटन्स को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी लूँगा, और ये एम्प्लॉय आईडी होगी वो सभी को यूनिकली पजेस होगी। ठीक है, तो मैं जैसे ही एम्प्लॉय आईडी को भी एंटर करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे जो एम्प्लॉय का नाम डाल देता हूँ, उसका हम मोबाइल नंबर को भी रैंडमली मोबाइल नंबर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे में मुझे उसका आधार कार्ड नंबर भी डालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे में उसका कोई एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है, ऐसे हमें पिन कोड डालेंगे, और जो हमें यहाँ पे है अमाउंट ऑफ लोन, तो मुझे यहाँ पे जैसे मैं 5,000 का लोन देना चाहता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर्स के लिए, और हम रेट रखेंगे इसका 5%, और ये जो मंथली पेमेंट की और ये टोटल पेमेंट की यहाँ पे ये शो करेगा। ये मैंने स्टेट यहाँ की डिसेबल कर रखे हैं, जिससे कि यहाँ पे यूजर कोई भी इनपुट एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए, ये भी हमारा जो मंथली पेमेंट हमें कितना करना पड़ेगा वो आ गया लोन का, और जो टोटल पेमेंट हुआ हमारा वो आ गया। ठीक है, और ये हमारी यहाँ पे रो पे एज ए रो यहाँ पे हमारी यहाँ पे इसने इनपुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये रो आ गई हमारी रो में डाटा, और ये रो में डाटा मैंने खाली एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड नंबर ऑफ इयर्स, और इंटरेस्ट रेट, मंथली पेमेंट और टोटल पेमेंट और मोबाइल नंबर खाली ये एंटर करवाई। तो यहाँ पे हमने ये आधार कार्ड और एड्रेस पिन कोड ये हमने इंटरनली स्टोर करवाए हैं, और यहाँ पे हमने टेबल पे शो नहीं करवाए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोबारा इसी को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे कहेगा डुप्लीकेट एंट्री नॉट अलाउड, तो ये हमारी आईडी यूनिकली होगी। अब मैं जैसे इस आईडी को चेंज कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, तो ये हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे देखिए ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, और जब हम कोई भी आईडी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, तो हम जब रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो यहाँ पे कहेगा कस्टमर डिटेल्स आर मस्ट, तो हमें सबसे पहले कोई ना कोई आईडी प्रोवाइड करानी पड़ेगी रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे रिसेट पे प्रेस करता हूँ, तो मेरा सारे जो जो फील्ड है एंट्री फील्ड वो एम्प्टी सेट हो गए। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे किसी भी रिकॉर्ड पर सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे ये सारे एंट्री फील्ड में इसकी डिटेल्स फिल हो जाएगी। ठीक है, जो भी डिटेल्स में दी होगी, और हम यहाँ से इसको अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शिवम नाम नहीं डाले मैंने दोनों में, तो मैं यहाँ पे कोई भी करण नाम डाल देता हूँ। ठीक है, और मैंने करण डाल दिया, अब मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ इसको, तो देखिए यहाँ पे मेरे से कहेगा रिकॉर्ड ई एम्प्लॉय E2125 अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा नाम हो गया यहाँ पे करण। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड ऐसे अपडेट हो जाएगा, और जब हम एग्जिट प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ से हमसे आस्क करेगा डू यू रियली वांट टू एग्जिट, और हम यस करेंगे तो यहाँ से विंडो से रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, और नो करेंगे तो विंडो पर ही होंगे। ठीक है, और जैसे मैं अब यहाँ पे जो मैंने 2 एंट्री बनाई हैं, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ अपनी जो एंट्री है, तो वो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, देखने के लिए मैंने यहाँ पे PHPMyAdmin में आ गए हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मेरा डाटा स्टोर हुआ है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय आईडी है, और ये नेम ईयर्स। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे EMT नाम से एक डाटाबेस क्रिएट किया है, और इसमें एम्प्लॉयज की फाइल बनाई है, और ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये टेबल के फॉर्म में सारा डाटा स्टोर हो रहा है। तो ये वहाँ पे हमने मोबाइल नंबर तक शो कराया खाली, और ये आधार कार्ड, आधार नंबर, एड्रेस, पिन कोड, अमाउंट ऑफ लोन, ये मैंने इंटरनली स्टोर किया है, जो कि हमने वहाँ पे टेबल पे शो नहीं कराया, तो ये हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यही है इस सारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर माई वीडियो, ओके, एंड गिव मी योर वैल्यूएबल कमेंट, हाउ वॉज द वीडियो।